नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्पेस एंड बॉडी सेंट्रोड के बारे में। जो स्पेस एंड बॉडी सेंट्रोड होता है वो होता क्या है? देखिए, पहले हमने बात की थी कि जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है वो क्या होता है। तो पहले हम इंस्टेंटेनियस सेंटर को ही समझ लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके अंदर उसको समझने के लिए हमने ये फिगर बनाई है। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई लिंक है ए बी, ए बी है और वो ए वन बी वन पोजिशन ले लेता है। फाइनल पोजिशन इसकी ये है, पहले ये यहाँ था और फिर जब इसकी ये पोजिशन हुई ए वन बी वन, ये इस तरह का हो गया। यानी कि इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी है और यहाँ से अगर आप देखें यहाँ तक तो ट्रांसलेशन मोशन था और फिर ये ऐसे घूमा, यानी कि रोटेशन मोशन हुआ इसमें। तो जहाँ पे ये बहुत एक कम्बिनेशन इफेक्ट होता है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो ए बी लिंक है, ए वन बी वन इसने पोजीशन गेन की है, ये एक सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, एक रोटेशन का केस मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ये कैसे हमें मिलता है, हम देखते हैं इसके वेलोसिटी वेक्टर्स को। देखिए, ए ए वन इस तरफ आया और इसी तरह से बी बी वन इस तरफ गया। तो अब आप जो ये वेलोसिटी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, तो इनके जो परपेंडिकुलर होते हैं वो आप ड्रा करते हैं। जैसे बी बी वन का आपने ये इस तरफ है, तो एक जो परपेंडिकुलर है इस तरह से ड्रा हो गया। इसी तरह से ए ए वन का एक जो परपेंडिकुलर है इस तरह से ड्रा हो गया। ये जो होगा ये आई होगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। आप इसको इससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं, इसी तरह से जो बी पॉइंट है इसको इससे मिला के और इससे इसको मिला सकते हैं, इस तरह से भी मिला सकते हैं। लेकिन ये आई कहाँ पे मिलेगा, जो वेलोसिटी वेक्टर है उनके बिल्कुल जो है परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो कट करेंगे, ये जो राइट एंगल बाइसेक्ट करेंगे, तो ये होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो ये इसका एक ओवरव्यू लिया हमने, पिछली वीडियो हम इसके बारे में पूरी बना चुके हैं। तो अब समझते हैं स्पेस एंड बॉडी सेंट्रोइड क्या होता है। उसके लिए भी हमने दो फिगर बनाई है, एक तो है स्पेस सेंट्रोइड, ये स्पेस सेंट्रोइड के लिए है, और ये जो है ये जो फिगर है ये है बॉडी सेंट्रोइड के लिए। तो स्पेस सेंट्रोइड क्या होता है, पहले ये देख लीजिए। स्पेस सेंट्रोइड होता है, मान लीजिए कोई लिंक था ए बी था और उसने ये पोजीशन ली, ए बी ली, फिर ये इस पोजीशन पे आया, यानी कि ये जो पोजीशन है इसकी चेंज होती जा रही है। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस सेंटर जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, यहाँ भी आप निकालिए। ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो आप इसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है तो वो आप निकालेंगे, यानी कि इसका परपेंडिकुलर यहाँ आ गया और इसका परपेंडिकुलर है आपने यहाँ पे बना लिया। ये मिल गया आपको, मान लीजिए आई वन मिल गया। इस जो ये जो मोशन में थी, किसी भी इंस्टेंट आपने ले लिया कि जब ये रोटेशन में है तो ये आई वन रहेगा। इसी तरह से जब इसकी पोजिशन ये हुई तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर आप निकालिए। तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ये है और इसका परपेंडिकुलर आपने ये ले लिया और इसका परपेंडिकुलर आपने ये ले लिया, तो मान लीजिए ये आई टू आ गया इस पोजीशन के लिए। इसी तरह से जो थर्ड पोजीशन है, किसी इंस्टेंट पे आपने ली, किसी भी क्षण आपने ली, और इसका परपेंडिकुलर आपने ले लिया, ये आ गया, और इसका परपेंडिकुलर लिया आपने, ये आ गया। तो ये वेलोसिटी वेक्टर हैं जो ये एरो दिखाए हैं हमने कि किस तरफ ये मूव कर रहे हैं। तो मान लीजिए आई थ्री आ गया। अगर आप इन सारे I1, I2 और I3 को इस तरह से जोड़ देते हैं, इस तरह का एक कर्व आपको मिलता है, तो ये जो होता है ये स्पेस सेंट्रोइड हम इसको बोलते हैं, इस कर्व को। I1, I2, I3 आपने मिला दिया, जैसे जैसे ये चेंज हुई, इसकी मोशन के अंदर चेंज हुआ, डेफिनेट मोशन के अंदर था, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर भी चेंज होता जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, ए बी जो है मोशन लेता रहेगा और इंस्टेंटेनियस सेंटर की पोजिशन भी चेंज होती रहेगी। अगर उन इंस्टेंटेनियस सेंटर को हम मिला दें तो ये जो कर्व है हमें स्पेस सेंट्रोइड मिलता है, इसको हम स्पेस सेंट्रोइड बोलते हैं। इसी तरह से बॉडी सेंट्रोइड की बात कर लेते हैं। देखिए, बॉडी सेंट्रोइड क्या है, मान लीजिए एक लिंक है ए बी और उसके साथ कोई पॉइंट आप सी जोड़ दीजिए, यानी कि बी सी एक लिंक आपने इस ए बी के साथ जोड़ दिया, ए बी जो लिंक था आपने एक लिंक जोड़ दिया, ये सी ए से भी इसको कनेक्ट कर दिया, बी से भी कनेक्ट कर दिया। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट आ गया आपके पास सी, या सी आ गया, तो उसके बाद क्या है, जैसे ही आपने ए बी लिया और इससे एक जो लिंक को अटैच कर दिया ए से भी और बी से भी, ये इस पोजीशन पे था। अब ये जो है, मान लीजिए इसकी पोजीशन इस तरह से चेंज हो गई, तो इसकी जो पॉइंट है इसकी भी चेंज हो जाएगी पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये तो इससे अटैच है, जैसे इस तरह से हुआ तो इस तरह से होगा, तो ये जो लिंक है ऊपर खींचेगा, ए इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, यानी कि ऊपर की तरफ चला जाएगा पॉइंट। इस तरह से ए बी जो है और इस तरह से हो गया और इस तरह से हुआ, तो ये जो पॉइंट है और ऊपर चला गया, यानी कि मान लीजिए ये सी थ्री है।
तो इस तरह का जब आप ये इस तरह से इन तीनों कर्व को मिलाएंगे, इस तरह का कर्व आपको मिलेगा, इसको बोलेंगे बॉडी सेंट्रोड। यानी कि बॉडी का इटसेल्फ, जो किसी भी बॉडी का खुद का जो सेंट्रोड है, इस पोजीशन पे ये था, इस पोजीशन पे ये था, इस पोजीशन पे ये था, यानी कि आपने ए बी से कोई ये लिंक अटैच कर दिया है, जैसे ही पोजीशन चेंज होगी इसकी भी पोजीशन चेंज होती रहेगी बॉडी के हिसाब से। तो ये होता है बॉडी सेंट्रोइड, इसको हम बोलते हैं स्पेस सेंट्रोइड, जब डिफिनेट मोशन में आप लेते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर की पोजीशन चेंज को। इसी तरह से अगर आप कोई पॉइंट मान लें कि ए बी से अटैच है, और जैसे जैसे ए बी की पोजीशन चेंज होगी, इस बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, तो इस पॉइंट की भी पोजीशन चेंज होगी, इसको बोल देते हैं बॉडी सेंट्रोइड। तो इसके अंदर, इस फिगर के अंदर हमने वही समझने की कोशिश की है। यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ए वन बी वन है, पहले एक इस तरह का लिंक है, और जब ये इस तरह से मूव किया तो ए टू बी टू पोजीशन में आ गया, ए टू बी टू पोजीशन में आ गया। ये जो आई वन आया और ये जो आई टू आया, ये क्या रहेंगे, ये रहेंगे स्पेस सेंट्रोइड। तो ये कर्व रहेगा स्पेस सेंट्रोइड का, और ये सी वन सी टू, इसी तरह से अगर बॉडी की पोजीशन चेंज होती रहेगी और उससे जुड़ा जो कोई पॉइंट है वो चेंज होता रहेगा, तो इसको बोल देंगे हम बॉडी सेंट्रोइड। तो इसमें हमें लगता है कि जो बॉडी सेंट्रोइड है, स्पेस सेंट्रोइड के ऊपर जो है ये रोल कर रहा है, तो इसके अंदर हमें इस तरह से प्रतीत होता है, और ये इस तरह से होता है, बॉडी सेंट्रोइड जो है रोल करता है स्पेस सेंट्रोइड के ऊपर विदाउट स्लीपिंग, बिना स्लीप किए। तो इस तरह से ये फिगर बन जाती है। तो इसके अंदर जब आपने ये फिगर बना ली ए वन, अब यहाँ देखिए यहाँ सी वन पॉइंट था, ये सी टू के अंदर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम ये मानते हैं, अब इसके अंदर फिगर के अंदर हम ये मानते हैं, देखिए सी वन यहाँ पे आई वन पे है, यानी कि आई वन जो है सी वन जो है बराबर है यहाँ पे। अब जैसे ही पोजीशन चेंज हुई ए टू बी टू की, तो ये पॉइंट आ गया सी टू। तो अगर हम माने कि जो सी टू बराबर आई टू के है, तो ये कब होगा, तो सी टू बराबर आई टू के कब होगा, जब ए वन बी वन और सी वन, जो ये ट्रायंगल है आपके पास, जो ट्रायंगल है आपके पास ए वन बी वन और सी वन, ये इक्वल टू हो जाए, या फिर आप कहें आइडेंटिकल हो जाए ए टू बी टू और सी टू के, यानी कि ट्रायंगल ए टू बी टू और सी टू के आइडेंटिकल हो जाए, तभी आपका जो है सी टू आई टू के बराबर होगा, क्योंकि सी वन आई वन यहाँ तो एक ही पॉइंट पे हैं। तो सी टू आई टू एक ही पॉइंट पे अगर मानेंगे, तो ये तो तीन जो ए वन बी वन सी वन है, ए टू बी टू सी टू है, ये तीनों साइड जो है इसकी, और ये जो तीनों साइड हैं, यानी कि आइडेंटिकल होनी चाहिए ट्रायंगल। तो यही ये कहना चाह रहा है, अगर ये आइडेंटिकल होंगी, तो यहाँ पे देखिए जो ए वन है और ये सी टू है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड आप देखिए, ए वन और सी टू ये किसके बराबर होंगी, ए टू और आई टू के, क्योंकि ए वन सी टू जो है वो ए टू आई टू के बराबर होगी, अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं कि सी टू आई टू के बराबर अगर हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वन सी टू किसके बराबर हो जाएगा, ए टू आई टू के। इसी तरह से जो दूसरी साइड है बी वन और C2, अब ये B1 C2, देखिए A1 C2 ये तो आगे किसके बराबर, A2 I2 के, इसके इसी तरह से B1 C2, अब B1 C2 किसके बराबर आएगी, B1 C2 आ जाएगी B2 I2 के बराबर, तो इसके बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सॉरी B1 C2 इक्वल टू B2 I2 के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए डिफरेंट पोजीशन ऑफ C1 और जो C2 की है, आप नंबर ऑफ पोजीशन और इसके अंदर ले सकते हैं, जैसे जैसे जो मोशन चेंज होगा बॉडी सेंट्रोइड और स्पेस सेंट्रोइड का, दोनों का आप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो C1 C2 का कर्व बनेगा उसको बॉडी सेंट्रोइड बोल देते हैं, और I1 I2 का जो इंस्टेंटेनियस सेंटर्स का कर्व बनेगा उसको हम स्पेस सेंट्रोइड बोल देते हैं। तो ये था हमारा स्पेस सेंट्रोइड और बॉडी सेंट्रोइड। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।